हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड जसपाल रावत। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हैज, हैव और हैड। इनका उपयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है और कब किया जाता है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। The formula for has and have sentences is, has and have sentences का formula है subject has have, क्रिया का तीसरा रूप जिसे हम past participle कहते हैं और object। What is third form of the verb? क्रिया का तीसरा रूप किसे कहते हैं? जैसे eat, ate, eaten हो जाता है, ये तीसरा रूप है। Go, went, gone हो जाता है, ये तीसरा रूप है। Speak, spoke, spoken हो जाता है, ये क्रिया का तीसरा रूप है। तो हम ये तीसरे रूप का इस्तेमाल करते हैं has and have के लिए। Subjects for sentences। Sentences बनाने के लिए हमें subjects की जरूरत पड़ती है। उनमें सात कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम प्रोनाउन भी कहते हैं। ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं आई, मैं, वी, हम, यू, आप, ही, वह पुरुष, शी, वह स्त्री, इट, यह और दे यानी कि वे। क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। प्रोनाउन के हिसाब से इन्हें हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आते हैं बोलने वाला या बोलने वाले, द स्पीकर और स्पीकर्स, आई एंड वी, मैं और हम। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं सुनने वाला या सुनने वाले, द लिसनर और लिसनर्स, और वो कौन है? यू, एक वचन हो या अनेक वचन हो, यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन सर्वनाम का तीसरा रूप, इसमें कौन आता है? द सब्जेक्ट टॉक्ड अबाउट, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, दे, ही पुरुष, शी स्त्री, इट, यह और दे यानी कि वे। फॉर मेकिंग हैव एंड हैज सेंटेंसेस, हैव और हैज सेंटेंसेस के लिए वी डिवाइड द थ्री टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इंटू टू ग्रुप्स। हम तीन टाइप के प्रोनाउन को दो ग्रुप बनाते हैं, इन द फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन लेते हैं हम, जैसे आई, वी, यू, मैं, हम और आप। इन द सेकेंड ग्रुप में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिर्फ सिंगुलर लेंगे, जैसे ही, शी, इट। दे इज थर्ड पर्सन बट प्लूरल, दे थर्ड पर्सन है लेकिन अनेक वचन है, सो इट इज ट्रांसफर्ड टू फर्स्ट ग्रुप, इसके लिए उसको फर्स्ट ग्रुप में डाल दिया जाता है। फॉर मेकिंग सेंटेंसेस देयर आर मेनी मोर सब्जेक्ट्स, और भी सब्जेक्ट्स हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए, जैसे कि राम, बॉय, कैट्स, बॉटल, पेपर, मोबाइल, चिल्ड्रन, मैन, बर्ड्स, फीट, माइस एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं।
ऑल प्लूरल्स इन ग्रुप वन, सारे अनेक वचन ग्रुप वन में, आई को छोड़ के, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसलिए वो ग्रुप वन में है। जैसे आई, वी, यू, चिल्ड्रन, माइस, कैट, दे, फीट, बर्ड्स एटसेट्रा, ये सारे ग्रुप वन में। ऑल सिंगुलर्स इन ग्रुप टू, सब एक वचन ग्रुप टू में, जैसे ही, शी, इट, राम, बॉटल, पेपर, मैन, मोबाइल एटसेट्रा। विद द फर्स्ट ग्रुप सब्जेक्ट्स वी यूज हैव, फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव लगाते हैं, जैसे आई हैव, वी हैव, बॉयज हैव, यू हैव। विद सेकेंड ग्रुप सब्जेक्ट्स वी यूज हैज, सेकेंड ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाते हैं, जैसे शी हैज, बॉय हैज, राम हैज, ही हैज एटसेट्रा। नाउ द वर्ब्स, इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू दैट वर्ब्स वी विल यूज ऑफ द थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल वाले, ईटन, ड्रंक, स्पोकन, गॉन, सीन, टेकन, प्लेड, सैट, गिवन, रेड, रिटन, मेड एटसेट्रा। दिस ऑल आर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। नाउ लेट अस मेक हैज एंड हैव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब इन द थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई रेड द नॉवेल्स, आई बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप सो हैव। सुनील प्लेड फुटबॉल, सुनील बिलोंग टू द सेकेंड ग्रुप सो हैज। दे हिडन द बूटी, हिडन इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ हाइड। दे बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप सो हैव। ही गॉन टू स्कूल, ही बिलोंग टू द सेकेंड ग्रुप सो हैज। We watch television, we belong to the first group, so have. Bird eaten the grain, bird belong to the second group, singular, so has. I have read the novels, मैंने novels पढ़ ली है। Sunil has played football, सुनील ने फुटबॉल खेल लिया है। दे हैव हिडन द बूटी, उन्होंने चोरी का माल छुपा दिया है। ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। वी हैव वॉच्ड टेलीविजन, हमने टेलीविजन देख लिया है। बर्ड हैज ईटन द ग्रेन्स, चिड़िया ने दाना चुग लिया है। ये सब काम हो चुका है लेकिन हाल ही में, इसके लिए हम हैज और हैव का उपयोग करते हैं। अब हम पॉजिटिव सेंटेंस क्वेश्चन टाइप वन बनाएंगे, तो इसमें हम हैज एंड हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और क्वेश्चन टाइप बन जाएगा। हैव आई रेड द नॉवेल्स, क्या मैंने नॉवेल्स पढ़ लिए हैं। Has Sunil played football? क्या सुनील ने फुटबॉल खेल लिया है। Have they hidden the booty? क्या उन्होंने चोरी का माल छुपा दिया है। Has he gone to school? क्या वह स्कूल जा चुका है।
Have we watched television? क्या हमने टेलीविजन देख लिया है? Has bird eaten the grains? क्या पक्षी ने दाना चुग लिया है? और अब ये क्वेश्चन टाइप वन हो गए हैं, जिनकी शुरुआत क्या से होती है और ऑक्सिलरी से होती है। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें haven't या have not लगाया जाता है, hasn't या has not लगाया जाता है। I haven't read novel, मैंने नॉवेल नहीं पढ़ी है। सुनील has not played football, सुनील ने फुटबॉल नहीं खेला है। They have not liked the chocolates, उन्हें चॉकलेट्स पसंद नहीं आए हैं। We haven't sung the song, हमने गाने नहीं गाए हैं। He hasn't watched television, उसने टेलीविजन नहीं देखा है। Birds haven't eaten the grains, पक्षी ने दाना नहीं चुगा है। Have and has used as main verb, यहाँ पे हम have और has को मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब ये auxiliary नहीं है, ये main verb का काम कर रही है। जैसे I have money, मेरे पास पैसे हैं। अब इसका negative बनाना होगा तो haven't नहीं लगाएंगे हम बोलेंगे I don't have money, मेरे पास पैसे नहीं है। Do I have money, क्या मेरे पास पैसे हैं? Don't I have money, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? They have a car, उनके पास कार है। They do not have a car, do not बोलो या don't बोलो एक ही बात होती है, उनके पास कार नहीं है। Do they have a car, क्या उनके पास कार है? Do they not have a car, क्या उनके पास कार नहीं है? He has money, उसके पास पैसे है। He doesn't have money, जैसे ही has के आगे does लगता है वो have के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब मुझे नहीं है कहना है तो doesn't have बोलेंगे हम। Does he have money, क्या उसके पास पैसे हैं? Doesn't he have money, क्या उसके पास पैसे नहीं है? अब has का उपयोग नहीं होता है does के बाद में। She has a car, उसके पास कार है। She does not have a car, उसके पास कार नहीं है। Does she have a car, क्या उसके पास कार है? Does she not have a car, क्या उसके पास कार नहीं है? अब हम सीखते हैं had का उपयोग पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में। I had eaten food, मैंने खाना खा लिया था। I had not eaten food, मैंने खाना नहीं खाया था। Had I eaten food, क्या मैंने खाना खा लिया था? Had I not eaten food, क्या मैंने खाना नहीं खाया था? They had sung the song, उन्होंने गाना गा लिया था। They hadn't sung the song, उन्होंने गाना नहीं गाया था। Had they sung the song, क्या उन्होंने गाना गाया था? Hadn't they sung the song, क्या उन्होंने गाना नहीं गाया था? The use of had with did, जब had का did के साथ में उपयोग होता है तो कैसे होता है? यहाँ पे फिर had जो है main क्रिया के रूप में इस्तेमाल होगा, तब उसके साथ did का उपयोग होगा। He had money, उसके पास पैसे थे। He did not have money, जैसे ही did लगता है had का have बन जाता है, उसके पास पैसे नहीं थे। Did he have money, क्या उसके पास पैसे थे? Did he not have money, क्या उसके पास पैसे नहीं थे? She had a car, उसके पास कार थी। She didn't have a car, उसके पास कार नहीं थी। Did she have a car, क्या उसके पास कार थी? Didn't she have a car, क्या उसके पास कार नहीं थी? मुझे उम्मीद है कि आपके has, have और had के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए तो एक बार फिर देख लो वीडियो को और अपने डाउट्स क्लियर कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
keep learning. Have a nice day.